देखिए दोस्तों, हम आ चुके हैं धानुबाग। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये धानुबाग है, धानु तालाब हम आ चुके हैं। देखिए दोस्तों, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ये आप जो देख रहे हैं दोस्तों, ये रेलवे का ब्रिज बन रहा है धानुबाग टू सूरत जा रहा है ये रेलवे बन के। इस तरह से रेलवे सूरत जाएगी, आपको हम आगे भी दिखाएंगे धानुबाग से कहाँ से कैसे वहाँ पर बना हुआ है टनल बना हुआ है, पहाड़ों को चीरता हुआ टनल बना, टनल भी आपको दिखाएंगे और कैसे कैसे रास्ता गया वो भी आपको दिखाएंगे। चलिए आपको लेके चलते हैं आगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, हम देखिए धानु तालाब के पास आ चुके हैं। देखिए हमारा ये धानु तालाब है धानुबाग में, देखिए धानु तालाब है। धानु तालाब से आप देख सकते हैं, ये देखिए ये ब्रिज गया है रेलवे के लिए, मालगाड़ी इसके ऊपर से जाएगी। देखिए ये ब्रिज आगे तक गया है, हम आपको आगे भी लेके जाएंगे जहाँ पे टनल बना हुआ है, पहाड़ों को चीरता हुआ टनल बनाया गया है। चलिए हम आपको आगे ले चलते हैं। देखिए हम आ चुके हैं कि यहाँ पे भी दोस्तों धानु तालाब के आगे आ चुके हैं। देख सकते हैं आप, देखिए इसके ऊपर से अपना नीचे से रास्ता बनाया आने जाने के लिए पब्लिक को, आम पब्लिक जनता के लिए इसके ऊपर से रेलवे जाएगी। और बल्कि देख सकते हैं वहाँ पे हमारा देखिए हम आपको जूम करके दिखा रहे हैं, देखिए पहाड़ों को चीरता हुआ बना है टनल, हम वहाँ पर जाने वाले हैं, आपको भी दिखाएँगे और टनल कैसा है, और बहुत ही बड़ा टनल बना है पहाड़ों को चीरता हुआ। चलिए हम आपको आगे ले चलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए ये पूरे देखिए टनल को बनाने के लिए, ब्रिज को बनाने के लिए पूरा ये हमारा खम्भा तैयार किया गया है, खाली इसको लगाने का देरी है। अब देखिए यही हम जो अभी दिखाए आपको, थोड़ी देर में नीचे से पब्लिक जाएगी, ऊपर से रेलवे जाएगा और देखिए यही सीधा हमारा चला जाएगा। देखिए सामने टनल दिखाई दे रहा है, यही हमारा टनल है, हम आपको जूम करके दिखा रहे हैं। देखिए कैसा टनल है, अभी देखिए सामने रेती उती डाला है, इसके लिए दिखाई नहीं दे रहा, हम आपको आगे ले कर चलेंगे दिखाएँगे। चलिए हम आपको आगे ले चलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, जहाँ अपना ये पटरी देखिए, यहाँ पे पटरी बनने वाला है। देखिए सामने देखिए झोपड़ा भी है, ये झोपड़े को यहाँ भी झोपड़ा था, यहाँ का झोपड़ा तोड़ के अभी देखिए ये पटरी बना दी है। हम आपको आगे लेके चल रहे हैं, दिखा रहे हैं कि हमारा टनल कैसा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी यहाँ इसके आगे दोस्तों गाड़ी जाने का साधन नहीं है, तो गाड़ी हम यहाँ पे अपना खड़ी करके अब यहाँ पे यहाँ से हम आगे टनल, देखिए अपना टनल जो दिख रहा है ये गिट्टी बालू के साथ, पीछे देखिए टनल हमारा दिखाई दे रहा है, तो हम इसके आगे आपको लेके जाएंगे, दिखाएंगे हमारा टनल कैसा बना है, कितना खूबसूरत टनल है। आप भी देखिए कितना अच्छा नज़ारा है यहाँ का, ये नाला सुपारा में धानुबाग धानु तालाब एरिया ये पड़ता है, आपको दिखाने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ से भी रोड गया है, देखिए अंदर से रोड पास हुआ, अभी ये पूरे तरीके से बना नहीं है, ऊपर से अपना ये मालगाड़ी का जाने का रास्ता बन रहा है रेलवे का जाने का, नीचे से अपना पब्लिक लोग जाएगी। देखिए हमारा टनल यही है, हम आगे जा रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं कि टनल किस आकार से कैसे बना हुआ है। तो देखिए हम यहाँ से नीचे आ चुके हैं, इस रास्ते से हम नीचे आए, देखिए अभी हम आपको यही टनल दिखाए थे, यही अंदर से दिखाए थे, यहीं से पब्लिक आएगी जाएगी। देखिए ये रास्ता है, ये रास्ता आने जाने के लिए है, और इसके ऊपर से देखिए रेलवे जाएगी, आपको हम उधर जा रहे हैं, आपको वहाँ जा रहे हैं, वो टनल दिखाने लगे टनल हमारा कैसा है। देख सकते हैं आप, हम थोड़ी देर में हम टनल के पास पहुँचने वाले हैं। अब देखिए पैदल ही चलना पड़ रहा है दोस्तों, यहाँ का रास्ता भी अच्छा नहीं, अभी टनल बन रहा है, देख सकते हैं आप हम कितनी ऊंचाइयों के ऊपर आ चुके हैं। देख सकते हैं आप दोस्तों, हम टनल के पास पहुंचने वाले, देख सकते हैं टनल के नज़दीक हम आ चुके हैं, अभी आपको देखिए थोड़ा नज़दीक और जाके दिखाने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, हम टनल के पास आ चुके हैं, हम आपको टनल दिखा रहे हैं, देख सकते हैं कितना बड़ा दोस्तों है, पहाड़ों के बीचों बीच है, पहाड़ों को चीरता हुआ टनल बनाया गया है। देखिए इसको बनाने में दोस्तों, ये खोदने में दोस्तों, इसको आर पार खोदने में दोस्तों 1 महीने का दिन निकल गया। देखिए दोस्तों, हमारा ये टनल है, आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे एक टनल है, इसके आगे दोस्तों 2 टनल और है। देखिए हम जूम करके दिखा रहे हैं, शायद आपको दिखाई दे रहा होगा या नहीं दिखाई दे रहा होगा, इसके आगे भी एक टनल है, इसके बाद विरार में एक टनल पड़ता है, देखिए देख सकते हैं आप, यहाँ से अब अपनी मालगाड़ी का रास्ता बना है, ये इसी टनल से मालगाड़ी अपना जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, धानु तालाब पे थोड़े ही दूरी पे हमारा ये टनल बना हुआ है, आप देख सकते हैं हमारा टनल ये कैसा है, और इसके दोस्तों पीछे भी एक टनल है, और उसके पीछे एक टनल और है, जो कि दोस्तों विरार में, डायरेक्ट विरार में वो टनल खुलता है। अब दोस्तों हम आपको ये दूसरा भी टनल दिखाएंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी लड़के लोग आए हैं,
पिकनिक मनाने के लिए देख रहे, कितना मज़ा ले रहे, कितना आनंद ले रहे पहाड़ों के ऊपर ये। तो दोस्तों ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताना। चलिए हम आपको आगे भी और टनल दिखाएंगे। देखिए हमें इसी रास्ते से सीधा ऊपर जाना है। जैसा ये टनल है आप ये वाला टनल देख सकते हैं, ये वाला टनल आप देख सकते हैं, ऐसे ही टनल इसके पीछे भी है, वो दूसरा पहाड़ खोद के बनाया गया है। हम आपको वहाँ भी ले चलेंगे, वो भी दिखाएंगे कि वो टनल कैसा है। देखिए हम काफ़ी पहाड़ों के काफ़ी ऊंचाई पे आ चुके हैं और देख सकते हैं इतने ऊंचाई पे आने के बाद दुनिया देखिए कैसी दिखाई दे रही है। देख सकते हैं आप हम पहाड़ों के काफ़ी ऊपर आ चुके हैं। देखिए पहला हम आपको ये वाला चीज़ दिखाए, ये वाला दिखाए हम, दूसरा ये वाला दिखाए। देख सकते हैं हम काफ़ी ऊंचाइयों पे आ चुके हैं, अभी हमें थोड़ी ऊंचाई और पार करना बाकी है। देखिए आप जैसा कि आप देख सकते हैं हम काफ़ी ऊंचाइयों पे आ चुके हैं। देख सकते हैं आप बहुत सारा बहुत ऊंचाई पर हम आ चुके हैं, बहुत नीचे नीचे सब चीज़ दिखाई दे रहा है। हम दूसरा टनल पार करने जा रहे हैं, दूसरा टनल दिखाने जा रहे हैं आपको। देखिए हम काफ़ी ऊंचाई पे आ चुके हैं, हम उतरने वाले हैं। दोस्तों काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो, ऐसा वीडियो बनाने में काफ़ी पहाड़ चढ़ना पड़ता है, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं देखिए हमारा दूसरा टनल, हम दूसरे टनल पास आ चुके हैं, लेकिन दोस्तों हम आगे नहीं जा सकते क्योंकि हमारे यहाँ पे पुलिस प्रोटेक्शन है, वॉचमैन है, सब मना कर रहे, बोलते हैं इसके आगे मत जाओ, आगे खतरा है। तो दोस्तों इसके आगे हम आपको कैसे दिखाएं हम वही सोच रहे हैं। ये भी टनल देखिए काफ़ी बड़ा है, ये भी टनल आधा किलोमीटर की रेंज में फैला हुआ है, अभी हमको आगे जाने को दिया नहीं जा रहा है, इसके लिए हम आगे वीडियो नहीं शूट कर पाएंगे। तो अपना वीडियो इसी पे ही ख़त्म करते हैं। दोस्तों देखिए कितनी पहाड़ों की ऊंचाइयों पर हम आके ये वीडियो शूट किए हैं, तो आप लोग का भी फ़र्ज़ बनता है हमें लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, कमेंट कर दे, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में, ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो ले कर हम आपके पास आते रहेंगे।